भाई साहब सर्वेश कुमार और ये मेरे कलीग मिस्टर तरुण। हेलो एवरीवन, तरुण प्रीत सिंह। आज का जो हमारा जो फाइजर है वो एनवायरमेंट के ऊपर है। हमने एक वर्टिकल गार्डनिंग किया है। आइए हम आपको अपने कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। हमारी कंपनी 1984 में फाउंडेड हुई थी। आज ये 8 लोकेशंस में है, जिनमें से 6 तो इंडिया में है और 2 यूएसए में है। हमारी प्रोडक्ट एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है और ऑटो पार्ट्स है। इतना कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो आज हमारे पास CMM, इंडक्शन हार्डनिंग इत्यादि है। और हम मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स की बात करें तो आज हमारे पास 1000 से भी अधिक पार्ट्स बनाते हैं, जिनमें से कुछ की झलक यहाँ पे दर्शाई गई है। ये हमारे टीम मेंबर हैं। हमारे टीम लीडर मिस्टर रणधीर सिंह, कोऑर्डिनेटर मिस्टर नरेंद्र कुमार जी हैं। तो तरुण हमें बताएंगे कि हमने एनवायरमेंट को ही क्यों चूज किया। जैसे कि हम आर्टिकल्स में न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि जो दिल्ली है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है एयर में, तो हमने ये भी देखा न्यूज़पेपर्स में कि जो दिल्ली है हर साल 300% की ग्रोथ के साथ एयर पोल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो हमने, जैसे आप न्यूज़पेपर की कटिंग्स देख सकते हैं, चोक्स हो रही हैं स्काईज, और लोग हेलमेट्स की जगह मास्क ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो हमने 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ का जब डाटा इकट्ठा किया तो लुधियाना 15th रैंक पे था। तो एज अ रेजिडेंट हमने सोचा कि हम लुधियाना के लिए कुछ करें, सभी इन्वायरमेंट के लिए रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमारे पास स्पेस नहीं था तो हमने सोचा कि हम स्पेस के लिए क्या करें। हमारे कोलीग्स ने हमें बताया कि दुख निवारण विभाग में और इनकम टैक्स ऑफिस में वर्टिकल गार्डनिंग हुई है जो कि पोल्यूशन से फाइट करता है अगर हम प्लांटेशन करें। तो हमने वही आइडिया चूज किया कि वर्टिकल प्लांटेशन करते हैं। वर्टिकल प्लांटेशन में क्या है कि हमने वॉल्स का यूज किया। ये वॉल्स पे इसलिए यूज किया, इजी टू इंस्टॉल, एक्सपेंडेबल है, इनडोर आउटडोर दोनों जगह यूज कर सकते हैं। और इसमें हमने ड्रिप इरीगेशन सिस्टम भी यूज किया। तो सर्वेश, इसका हमने स्पेस का और प्रोसेस का कैसे आइडेंटिफाई किया? जी बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले हमने अपने स्पेस को आइडेंटिफाई किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसके लिए जो मटेरियल यूज किया वो प्लास्टिक बोतल और कुछ फास्टनर्स का इस्तेमाल किया है। सर्वेश, इसमें आपने प्लास्टिक बोतल यूज किया है, हम इसमें रेडीमेड पॉट्स यूज कर सकते थे प्लास्टिक के? जी बिल्कुल, हम रेडीमेड पॉट्स भी यूज कर सकते थे, बट जब हमने अपने वेस्ट मैनेजमेंट की स्टडी की तो उसमें फाइबर की स्टडी की। फाइबर में एक 3R है जिसमें हम देख सकते हैं कि उसमें रीयूज होता है 3R, तो हमने इसलिए प्लास्टिक बोतल का यूज किया ताकि कुछ और एनवायरमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सके हम। ये हमने टूल्स यूज किया है जिनसे हमने इसको इंस्टॉल किया है। तो तरुण, हमने जो इसमें प्लांट्स लगाए हैं वो ऐसे रैंडमली लगाए हैं कि इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। प्लांट्स के बेनिफिट्स हैं, एक तो ये प्लांट्स हीट के साथ फाइट कर लेते हैं और इनडोर आउटडोर दोनों जगह यूज कर सकते हैं। इनकी जो रूट्स है वो वाटर को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेती हैं। और जो हमने फर्टिलाइजर यूज किया है वो भी कंपोस्ट है, 50% कोकोपीट है और 50% मैन्योर है उसमें। तो इसका प्रोसेस क्या था बॉटल का, फिटमेंट का? जी, सबसे पहले हमने बॉटल पे मार्किंग की है, उसके बाद फिर उसे कटिंग किया और ड्रेनेज के लिए फिर हमने उसमें होल किए हैं। इसे इंस्टॉल करने की विधि बताएंगे आप? इसको इंस्टॉल करने के लिए हमने पहले बॉटल को फॉर्मली प्लेस किया, उसके बाद इसकी फिटिंग की स्क्रूज के साथ, फिर हमने नीचे कंपोस्ट डाला, फिर हमने प्लांट रखा और उसकी टॉपिंग भी हमने कंपोस्ट के साथ की। इसमें हमने ड्रिप इरीगेशन सिस्टम यूज किया, इसमें भी हमने आरओ का वेस्ट वाटर जो है वो हमने कलेक्ट किया एक टैंक में, और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के साथ इतनी हाइट तक वाटरिंग इम्पॉसिबल थी इसलिए हमने ड्रिप इरीगेशन सिस्टम यूज किया और आरओ वेस्ट वाटर यूज किया। ये इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ ऐसे अट्रैक्टिव हो गई हमारी वॉल। हमारा जो एक्सपेंडिचर था, हमने 800 स्क्वायर फीट वॉल को यूज किया और उसके ऊपर 1000 बॉटल्स लगी, और हमारा जो पर फीट कॉस्ट निकला वो 70 रुपीज था। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इंटेंजिबल बेनिफिट्स थे। बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो स्मॉल इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज वगैरह जो है उनका हैबिटेट बन गया, ये रिड्यूस करती है अर्बन हीट को, और जो इसकी जैसे जैसे ग्रोथ होती है ये एक साउंड बैरियर का भी काम करेगी हमारे लिए। हमने आरओ वाटर भी यूज कर लिया इसमें जो कि वेस्ट हो रहा था, प्लास्टिक बॉटल्स भी यूज कर ली जो कि वेस्ट हो रही थी। इसका हमने हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट किया सर्वेश? जी बिल्कुल, इसका हमने हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट भी किया है। जैसा आप देख रहे हैं ये हमारे मेन रोड की एंट्रेंस है, जो कुछ पहले इस तरह दिखता था अब इतना अच्छा दिख रहा है। इसका हमने फार्म पार्ट्स ने सेलिब्रेट भी किया, और इसमें हमारे मैनेजमेंट ने बोला कि आप एक वीडियो लिंक रखें YouTube के ऊपर जिससे कि लोग स्टडी कर सकें और इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। हमें हमारी इनॉग्रेशन में इनकम टैक्स ऑफिसर और फीको के प्रेसिडेंट भी आए थे, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया इस एफर्ट के लिए। मैं अपने सीनियर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी पूरी हेल्प किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, और साथ ही साथ मैं आप सभी से शब्दों में त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं और आप अपने सुझावों और प्रश्नों के लिए सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।